ये देखिए नर्मदा जी का बिल्कुल किनारा, और जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल मायके किनारे हैं ये। लेकिन यहाँ ऊंचाई बहुत है। और ये देखिए भगवान सत्यनारायण का मठ बोला जाता है, हम अपनी भाषा में भले ही इसको मंदिर कहें आश्रम कहें लेकिन ये मठ बोला जाता है। बहुत सुंदर, ये लिखा भी है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, श्री महंत गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्री सत्यनारायण मंदिर कुसुमखेड़ा। ये पूरा यहाँ का कुसुमखेड़ा, ये नांदनेर के पास में है ये। ये माई के किनारे के गांव है ना? हाँ, ये कुसुमखेड़ा ही है। ये कुसुमखेड़ा है? हाँ, हाँ, नांदेड़ से। अच्छा अच्छा और ये नर्मदा माई का दर्शन हो रहा? हाँ। अरे वाह, बिल्कुल किनारे पे ही हम लोग। आश्रम तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर। अच्छा, ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर। हाँ, नर्मदा किनारे। अरे वाह, पहला स्थान है और आदि अनादि काल से है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी सबसे पहले नर्मदा जी के किनारे ही हुई थी जी, इसीलिए उसके हर अध्याय के अंत में इत श्री रेवाखंडी लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बहुत प्रिय स्थान है। ये देखिए भगवान सत्यनारायण जी, और बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे। हम तो ये सोच रहे थे हम कहीं और हैं। देखिए माई का दर्शन, ये देखिए ये नर्मदा जी का दर्शन है यहाँ से, और बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर स्थान है। प्राचीन मन को भाग गया स्थान ये भगवान सत्यनारायण भगवान ये सत्यनारायण भगवान। अच्छा, ये अंदर अंदर चलिए। अरे वाह, जय ही सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा। ये मुगलों के जमाने का है। अच्छा अच्छा, ये और यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सत्यनारायण भगवान को थोड़ा सा और नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की। ये नर्मदा खंड में पहला स्थान है जी जी जी। कुसुमखेड़ा है, नांदेड़ से 3 किलोमीटर आगे जी। ये सत्यनारायण भगवान का जो मंदिर है, दोनों तट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। से ये देखिए, ये देखिए आरती में प्रयुक्त तो होने वाले वाद्य यंत्र। नरियल में देखकर मतलब सारी समस्या बता देते थे। अच्छा अच्छा, नारियल से देख करके। हाँ, और इतना परिश्रम करते थे खेतों में मेहनत करके जी। परिश्रम करने के बाद में 2 रोटी खाते थे ये। हाँ वाह नर्मदे हर प्रभु जी। प्रभु हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान कौन सा है और ये मंदिर या स्थान कब से? ये सत्यनारायण मंदिर कुसुमखेड़ा है। भगवान सत्यनारायण मंदिर, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा है। कम से कम 300 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा। अच्छा अच्छा, यहाँ भगवान कार्तिकेय ने भी तपस्या की है। अच्छा, भगवान कार्तिकेय ने। अच्छा अच्छा, ये सत्यनारायण भगवान वही हैं जिनका मतलब वो जैसे सत्यनारायण कथा होती है। हाँ, ठीक है, वही है ना? भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के अवतार, ऐसा कहा भी जाता शायद कि सत्यनारायण जी की सर्वप्रथम कथा नर्मदा जी के तट पर ही हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हमारे बहुत सौभाग्य हैं कि इस स्थान के मुझे दर्शन हुए और आप जैसे दिव्य महात्मा के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आप प्रभु यहाँ कब से सेवा में हैं? मैं कम से कम 20 वर्ष से यहाँ पर रह रहा हूँ। 20 वर्ष से सेवा में हैं।
अच्छा, आपके पीछे ये हम चित्र देख रहे हैं, ये भगवत स्वरूप, तो ये किन का चित्र है? ये हमारे गुरु जी का चित्र है, ये ब्रह्मलीन हो गया 2022 में। अच्छा, ये पंचअग्नि अखाड़ा से श्री महंत गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी इनका नाम है। अच्छा, और ये मठ है अखाड़े का। जी, इसको मठ बोलते हैं। अच्छा, अखाड़े का ये मठ। मैं पंचअग्नि अखाड़े से सचिव। अच्छा, और ये हमारे गुरु जी थे, वो श्री महंत थे। जी, 2022 में इनका शरीर। अच्छा, शरीर पूर्ण हुआ इनका। जी, तो आप 2020 वर्ष से यहाँ पर सेवा में हैं, अर्थात आप गुरु जी की सेवा में रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरु की सेवा करने का मौका मिला। 10 साल की उम्र से यहाँ पर व्यतीत हो रहा। अच्छा, 10 वर्ष की अवस्था से आप गुरु जी के सानिध्य में हैं। तो 10 वर्ष की आयु में संन्यास लेना क्या है? हमारा एक स्थान और है जी, त्रिलोकचन महादेव पे, उसे निर्माणित हुआ उस मकान के सिलवानी में। अच्छा, रायसेन जिले की सिलवानी तहसील है जी, और थाना बमोरी है, उससे 5 किलोमीटर पूरब की तरफ जी जंगल है, विंध्याचल पर्वत के अंदर। वहाँ पे पाठशाला गुरु जी की कृपा से खुली यहाँ पे। अच्छा, तो निःशुल्क ब्राह्मणों को पढ़ाई की जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे हमने अध्ययन किया। तो अध्ययन करते समय क्या हुआ, महाराज जी की जब तबीयत खराब रहने लगी जी, तो फिर महाराज जी के साथ ऐसा योग बना कि यहाँ आना पड़ा। अच्छा, तो फिर कुछ वर्ष ऐसे धीरे धीरे करके, कभी 1 महीने की ड्यूटी लगती थी, 15 दिन की भी लगी पहले, महीने भर की, 2 महीने की, 5 महीने की। अच्छा, धीरे धीरे गुरु जी से प्रेम बढ़ा जी, तो उस कारण से धीरे धीरे फिर होकर संन्यास तो 2016 में ले गया। अच्छा, संन्यास बाद में लिया आपने 2016 में? मैं श्री महंत बनाया गया था। अच्छा, इससे पहले महाराज जी की सेवा निरंतर करते रहे जी। 2016 में महाराज जी ने पद दिलाया। अच्छा, जी। आपका शुभ नाम प्रभु? मेरा श्री भोले स्वरूप ब्रह्मचारी। भोले स्वरूप ब्रह्मचारी, पंचमी अखाड़ा जी, सचिव। अच्छा, तो ये मंदिर, ये मठ, सॉरी, हाँ मठ जो है, ये कब से यहाँ स्थापित है? 300 वर्ष पुराना। काफ़ी समय पुराना हो गया। गुरु जी काफ़ी, जितने भी साधु महात्मा परिक्रमावासी आते हैं, सभी की सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ से परिक्रमावासी निकलते होंगे? टोटल यहीं रुकते हैं। अच्छा, तो अन्य क्षेत्र भी यहाँ चलता है? अच्छा, जी, ये तो बहुत खुशी की बात नहीं, है। और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी सेवा गुरुजी करवाते हैं सर। अच्छा, अरे वाह, तो गुरुकुल वहीं से आ जाते हैं बच्चे? नहीं, ये सब यहाँ सब यहाँ पर गुरुकुल है। अच्छा, तो वो बच्चे अभी यहाँ पर गुरुकुल नहीं, गुरुकुल वहीं से। अच्छा, वहाँ से, तो वहाँ से बुलवा लेते हैं उस समय, आ जाते हैं बच्चे। हाँ, गुरु जी का अनुष्ठान चलता है। जी, तो आज भी गुरु जी ऐसे सुबह उठते हैं, सेवा कार्य के लिए तक अग्निहोत्री करते हैं। अच्छा, हाँ, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, तो अपन पहले इसलिए नहीं आए ताकि गुरु जी अग्निहोत्र चल रहा होगा। बिल्कुल, 4-5 घंटे उनका। अच्छा, दिल्ली का, और गुरुकुल से भी है रहे शिक्षक। जी, और जैसे अनुष्ठान यहाँ देवी जी का अनुष्ठान रहता है, तो वहाँ से ब्राह्मण बच्चे आ जाते हैं सब, तो बढ़िया, बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान चलते हैं, तो पूरा सिस्टम। हाँ, बिल्कुल, प्रकमवासियों महात्माओं की बहुत सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे मिल करके, कहाँ ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के दर्शन हो जाते हैं, कुछ समाज के लिए भी हम दे देते हैं, जिससे लोग देखें और उनका अनुकरण करें, तो यही एक भावना रहती है। अब बताइए, 10 वर्ष की उम्र में महाराज जी गुरुकुल पढ़े, वही तो बचपन से ईश्वर की कृपा देखिए। जी, 10 साल की उम्र से अपने उनके माता पिताओं का त्याग देखिए, कि मतलब 10 साल की उम्र में अपने बच्चे के लिए गुरुकुल विद्या ध्यान के लिए किया था, लेकिन जैसे वो ब्रह्म हो गए, जैसे उनका नाम है ना पांडे जी, जी भोला स्वरूप, वैसे उनके पूरा आचरण भी बिल्कुल भोले के समान। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रभु से मिल करके।
जैसे बड़े गुरुजी थे, खेत में काम करने के बाद में जो मतलब गुरुजी का खुद मेहनत से जो खेतों में उगाते थे हाँ, उसी को ग्रहण करते थे हाँ, बाकी का कहीं से भिक्षा या कोई दान करते करके जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते थे, खुद अपनी मेहनत करके थे। अरे वाह। और बाहर से जो लोग नरियल तो गुरुजी का शरीर यहीं का था या कहीं बाहर का? महाराज जी का रायसेन जिला। रायसेन जिले से थे? अच्छा अच्छा उदयपुरा थी। उदयपुरा अच्छा अच्छा पिपरिया। पिपरिया होशार पिपरिया। अच्छा 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 बहुत दिव्य संतों की तो कहनी बात ही क्या है। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनके इनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन कृतार्थ हो जाए, धन हो जाए। उसको नहीं बोले, बहुत मोटी मोटी दीवार है। अच्छा बना हुआ मंदिर। तो यहाँ पर वो मठ से कुछ जमीन वगैरह लगी होगी? अच्छा, तो ये परिक्रमावासियों के लिए भोजन वोजन की व्यवस्था आश्रम की तरफ से होता है? आश्रम की तरफ से होता है। अच्छा अच्छा जमीन में इतना हो जाता है कि साल भर परिक्रमावासियों? अच्छा 40 एकड़। मतलब मठ को किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई देना चाहे स्वेच्छा से अलग बात है। हाँ, मठ को वैसे अभी तक इतना भी निर्माण हुआ है, सब आश्रम की पैसे से। अच्छा 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 किसी का नहीं, सबको भी सेवा, यानी परिक्रमावासियों की सेवा, संतों की सेवा करने के बावजूद गुरुकुल की ईश्वर कृपा से इतना हो जाता है कि हाँ इसका निर्माण भी करवा लिया आपने। चार कुंभ लगते हैं। जी जी, क्या होता है भंडारा भी होना जी, विदाई भी होना, सब कुछ इसी से चलता है। गायत्री जी की जी जी, हम लोग ब्रह्मचारी हैं तो उसमें गायत्री देवी होती है, हमारी इष्ट गायत्री। इष्ट गायत्री अच्छा, तो इसकी पुकार भी होती है, भंडारा होता है। जी जी, भंडारे में भी काफ़ी खर्चा आता है, जी 3 साल में एक बार भंडारा होना ही। सब यहीं पर्याप्त आश्रम से ही चलता रहता है? आश्रम से। चलिए बहुत ही खुशी की बात है कि आश्रम जो है प्रभु की कृपा है, वो तो सत्यनारायण भगवान तो वैसे ही अन्य धन के दाता हैं, उनके यहाँ कमी रह जाए फिर तो फिर ये तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। तो बिल्कुल बहुत जी, नर्मदा जी की कृपा बिल्कुल सब चलता है, उनकी कृपा से आनंद मंगल। जी जी, अभी तक कभी जरूरत नहीं पड़ी कोई से कहने की भी और ना करवाने की, और आगे ना पड़े, ये भी अच्छी बात। प्रभु के दरबार में प्रभु से तो लोग मांगते हैं, जब भी कोई संकट में आता है तो अपने घरेलू में सबसे सरल तो यही रहता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लो, और उनके ही आश्रम में कमी पड़ जाए ये तो। गुरुजी का भंडारा हुआ था जब भी 70-80 लाख रुपये खर्च हुआ था। अच्छा 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 70-80 लाख रुपये गुरुजी के भंडारे में। साधु संत महात्मा आते हैं तो विदाई होती है, महात्मा जी बैठे ही जानते हैं कितनी विदाई होती है। जी जी जी, बिल्कुल, वो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है साहब। खर्चा कम होता है, विदाई ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। खर्चे कम, सही कहते हैं, भंडारे में खर्चा कम होता है, विदाई में ज़्यादा खर्चा आता है। हमारे क्या सब लोग बाहर हैं, अखाड़े के जितने भी ब्रह्मचारी जी, तो गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, जी जी कलकत्ता में, बॉम्बे में, जी जी दूर दूर ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में बहुत कम है ब्रह्मचारी जी, पंचलनी अखाड़ा के लोग 2-4 10 ही मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे आश्रम बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में है कुछ जी, बनारस से इसकी शाखा निकली है। बनारस से? बनारस में नए महादेव के पास में है जी जी कार्यालय इसका। अच्छा अच्छा, वहाँ से इस शाखा निकली है। गुजरात में हमारे सभापति रहते हैं, अच्छा के जो मैन होते हैं जी जी, उनको सभापति बोलते हैं। और आचार महामंडल जो हैं वो कृष्णानंद जी के नाम से हैं, तो वो अमरकंटक में रहते हैं जी जी। चार महामंडलेश्वर होते हैं अखाड़े में। तो यहाँ पर प्रभु जैसे भविष्य में कभी मठ का शिलान्यास हुआ होगा तो यही सोच करके परिक्रमावासियों की सेवा होती रहे। पहले से यहाँ तो चलता ही है, पहले से जो जी 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 महाराज जी के, और पहले भी जो था। अच्छा अच्छा, पहले भी परिक्रमावासियों का सदा व्रत चलता था जी जी,
जी अब जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जा रहा है वैसे प्रखंड वासियों को हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने अनुकूल के हिसाब से जो व्यवस्था कर पाए जी उतना कम है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु आगे की प्रक्रिया है भगवान सत्यनारायण की कृपा हो जाए नरम भैया की तो अभी क्या है ऐसे हॉल में सुलाना पड़ता है आगे अपना भविष्य में ये लग रहा है कि कमरों में बेड मिल जाए उनके लिए सोने के लिए जैसी व्यवस्था मिल रही है जी जी ये अपनी एक कल्पना है थोड़ा सा मन में विचार है जी जी आने वाले समय में कम से कम परकम वासियों को बेड पर सोने की व्यवस्था भी व्यवस्था बने मतलब जमीन में ना लेटना पड़े उन्हें खाने को मिलता है लेकिन आगे अपन ये सोच रहे हैं जैसे परिक्रमावासी जब आता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए जी वो अपने घर में आके बैठा नेक कल्पना है ईश्वर जरूर सुनेंगे जरूर पूर्ण करेंगे जी हो जाएगा क्या है कि अभी कारीगरों की समस्या है थोड़ी सी जी समय पर नहीं मिल पाते यार दो साल से काम भी रुक गया जी जी कोई कारीगर नहीं मिल पाए तो उस कारण से रुक जाता है देहात में क्या होती है परेशानी होती है जी जी एक बार कारीगर जो छूट जाता है फिर डबल से मिलने में दिक्कत मुश्किल हो जाती है बाकी तो काम निरंतर चल ही रहा था जी अभी पेंटिंग का काम भी चल रहा था तो उसने भी छोड़ दिया ऐसे करके थोड़े से रुक जाते हैं उसमें विलम्ब होता है जी तो नर्मदा जी का घाट भी बन गया और सुंदर हो जाएगा जी कन्या विवाह का भी ऐसा भी चल रहा है अच्छा कन्या विवाह का ही प्रावधान है 10-5 जो भी अपनी आय होगी जी जी उसमें से जो बचत अपन को दिखेगी मंदिर निर्माण होने के बाद जी जी उसमें अपन ये संकल्प लिया भी है भगवान जब पूरा कर दे 5-10 जो भी असहाय कन्याएँ होती हैं उनकी जी जी हर प्रतिवर्ष एक बार जो भी तिथि निश्चित की जाए बिल्कुल बिल्कुल उससे अपन अपने हिसाब से करेंगे मंदिर का बजट निकाल दो 2-5-10 लाख जो भी अपन को ऐसा लगता है कि अपने पास पर्याप्त बच रहा है तो उसमें अपने हिसाब से करेंगे जी 5 के हो जाए 10 के हो जाए उनके पास माता पिता नहीं हैं गरीब हैं असहाय है वो भी संकल्प है हमारा में जी और प्रथम वासियों को पूरी सुविधा का हफ्ते में जैसे एक बार सब्जी पूरी खीर सातों दिन जैसे दाल चावल रोटी सब्जी संयम बनाना तो ये नहीं है अभी क्या उनसे पूछ के ही भोजन होता है मुझे उनकी इच्छा होती है परिक्रमावासियों से सब उनकी इच्छा से मिलता है लेकिन जब अधिक संख्या बढ़ जाएगी जी व्यवस्था हो जाएगी तो उसकी रूपरेखा बनेगी बिल्कुल उस हिसाब से काम किया जाएगा जी जी हफ्ते में अपन ने एक दिन अच्छा लिया पूर्णिमा है या अमावस्या है उनका अच्छा मीठा था जो भी है भगवान को भोग भी लगे नंदा जी को लगे उसके बाद परिक्रमावासी बिल्कुल बिल्कुल बाकी सादा भोजन 7 दिन तक चलता रहे 7 दिन आना एक बार अच्छा क्योंकि नियम भी होता है भगवान की यहाँ क्या है जब वैकुंठ होता है तो उसमें नियम होता है कि दाल चावल सब्जी रोटी का ये महाप्रसाद बोला जाता है दोपहर अच्छा अच्छा तो ये जरूरी भी होता है जी जी भोग लगाना जी और इससे ऊपर जो कुछ भी अपनी इच्छा होती है तो वो तो लगाना है बिल्कुल बिल्कुल ताकि इतना नियम रहता है राजभोग बोलते हैं इसको भोजन में प्रसाद तो जरूरी है नियम रहता है जी तो बहुत अच्छा लगा प्रभु अच्छा जैसे प्रभु यहाँ इस स्थान पे यदि कोई भक्त आना चाहे तो वो किस रास्ते से होके आएगा यहाँ से आने के लिए रास्ते सुलभ हैं बावई से आएंगे तो भी आ सकते हैं अच्छा अच्छा शायद वाला रास्ता है बकरा से आ सकते हैं अच्छा अच्छा और यहाँ बाहर की तरफ से भी आ सकते हैं तीनों तरफ से रोड है चलिए बकरा से 8 किलोमीटर पड़ता है बकरा से 8 किलोमीटर से 17 किलोमीटर के आसपास बावई से 17 मेन रोड चलिए प्रभु जी बहुत अच्छा लगा नर्मदे हर अपन को भी आनंद आएगा और उनको भी अच्छा लगेगा मतलब आपके मन में ऐसा आता है कि आश्रम के पास इतनी व्यवस्था है कि इस तरीके की सेवा परिक्रमावासियों को दी जा सकती है कि उनको बेड मुहैया कराया जाए
उनको और मतलब आराम जितना अधिक से अधिक दिया जाए जी। उनको लगना चाहिए कि अपन कहीं आए हैं आश्रम में, उनको हर जैसा व्यवस्था मिले तो उनका जो भी है आत्मा में आनंद आएगा। प्रभु बहुत नेक विचार हैं आपके, जो परिक्रमावासियों का इतना चिंतन रहता है आपके मन में। वास्तव में परिक्रमावासी बहुत कष्ट झेल के परिक्रमा करते हैं, हालांकि ये उनकी एक तपस्या होती है, इस ये उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कराता है, तो ये उनका एक संकल्प होता है, तप होता है उनका जी। परिक्रमा करने का अर्थ ही ये होता है कि उसमें ध्यान लेना चाहिए हर चीज़ से। जी जी, सुविधा तो अपन लेना चाहते हैं, उनको सुविधा लेने की कोई उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मिल जाए। चलेंगे तो फिर उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि परिक्रमा का अर्थ क्या है, परिक्रमा करने से होता क्या है, परिक्रमा से अपन को क्या हर तरह का ज्ञान मिलता है जी, भांति भांति के लोग मिलते हैं जी, कहाँ पे अपन जा रहे हैं, कौन सा व्यक्ति कैसा है जी, किस परिस्थिति में उसने अपनी सेवा की है या अपन ने उससे कैसे सेवा करवाई जी। और माँ का अनुभव कब होता है, जब अपन को कष्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि आप जब तक सुखी रहेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा परमात्मा का। जी जी। आप जब कष्ट में आएंगे तो आप परमात्मा को पुकारते हो, तभी मुँह से निकलता है, तभी जी संभव हो पाता है जी। तो कष्ट तो होना जरूरी है, लेकिन वो उनके हिसाब से, लेकिन अपने पास जब भगवान ने सब कुछ दिया है और अपन सामर्थ्यवान है जी, तो अपनी सोच है कि अपने यहाँ आएंगे तो जी उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं आज हमारे घर में आया जी, आज प्रभु के घर में आ गए हैं, उन्हें प्रभु के घर। बिल्कुल जी जी। क्योंकि ये दरबार सबका परिवार होता है। जी जी। ये एक का नहीं होता, सर्वत्र है, इसमें जो आएगा उसका है, उसका है। यहाँ शत्रु मित्र जो भी है जी, भाई बंधु सब उसके लिए है, खुला दरबार है जी। क्योंकि दरबार इसीलिए होता है, साधु संतों का घर होता है जी जी, ग्रस्तों के लिए मंदिर है। अब इसीलिए पहले आश्रम खुलते थे, अब तो क्या जगह जगह पर सब जगह लोग बाग गृहस्थी भी करने लगे सेवा। पहले क्या थे, आश्रम ही रहते थे, यहाँ पर व्यवस्था होती थी जी। तो परिक्रमा वैसे नियम भी होता है कि आश्रम पे जाके रुकना चाहिए, गृहस्थी में भी नहीं रुकना चाहिए। पहले जो धूनी वाले दादा जी की जो अखाड़ा था, उनकी जो यात्रा चलती थी, होता था परिक्रमा में भोजन भी होता था, तो सादा भोजन होता था जी, छौका लग के भोजन होता है। तो नियम तो फिर बदलते जा रहे हैं समय के अनुसार, के कारण से नियम तो नहीं बचे जी, लेकिन पालन करना चाहिए परिक्रमा का, शुद्ध यहाँ से भोजन नहीं बनाना चाहिए जी। तो बनाते हैं तो उनको सादा होना चाहिए जी, जैसे भरत साग बनता था उसमें छौका नहीं लगता कोई चीज़ जी जी, पका के सिर्फ भोजन खाया जाता है, उसमें 5 ग्रास निकाले जाते हैं, बना 5 घर से भिक्षा मांगी जाती है। अच्छा अच्छा। तो इन सब चीज़ों का तो नियम भी नहीं रहा, मांगने वाली सिस्टम ही नहीं बचा जी जी, कहीं से कहीं तक भी। पहले क्या भिक्षा ही मांग के पाया जाता था। हाँ, भिक्षा मांग के राजी की अपन गोद में जब निकलते संकल्प लेते हैं कि माँ आज से हम तेरे शरण में आए जी, अब जैसा तू रखेगी हम वैसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, जिस स्थिति में तू हमको राखेगी उस स्थिति में जी स्वीकार करके रहेंगे। तो क्या नियम रहता है, फिर अपन जैसे परिक्रमा करते हैं, सूर्यास्त से पहले अपनी परिक्रमा भी विराम ले ले जी जी, एक स्थान को चुना जाता है कि अपन कहाँ रुकना चाहते हैं जी, सूर्यास्त होने से पहले अपन रुक जाएंगे, उसके बाद फिर भिक्षा मांग के जो भी अपना रहता है, दिन भर व्रत करके शाम को भोजन बनाओ जी, 5 घर मांग के भिक्षा ले के आओ जो मिल जाए। ये नहीं कि 5 घर मांगा और अपन को कुछ नहीं मिला तो और 5 घर निकल जाओ, केवल 5 घर, 5 घर का संकल्प तो होता है जी। एक बार में सिर्फ 5 घर को भिक्षा लेने जाना है, जो भिक्षा मिलेगी स्वीकृति से, जो माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा उसको ग्रहण करके ला के फिर उसको पकाना है, पका के फिर उसको 5 ग्रास निकालना है, उसको भोग लगाना है, चीटी को डालना है, गऊ को खिलाना है, कन्या को देना है, कुत्ते को खिलाना है। तो 5 ग्रास निकालने के बाद उसमें से जो भी बचता है जी, फिर उसको मैया को अर्पित करके फिर अपन स्वयं उसको पाना, प्रसादी पा के उससे अपने रिश्ते में उधर भर जाए, उससे संतुष्टि पाना, ये परिक्रमा का नियम होता है, ये नियम होता है। अच्छा प्रभु, जैसे पका हुआ भोजन मिल जाए अगर भिक्षा में,
था वो भिक्षा में मिलता है तो चल रहा था। अच्छा, गृहस्थियों के लिए 16 वाले थे, सन्यासी महात्मा ब्रह्मचारी, उनको तो अपने हाथ से बनाना चाहिए जी, लेकिन आजकल सब लोग बनाते हैं अपने अपने हाथ से, कोई बनाता नहीं जी जी। अच्छा भंडार भी चलते हैं, उनमें भी पा लेते हैं लोग हैं ठीक। क्या माँ को तो ज़रूर भोग लगा कर ही खाना चाहिए, क्या नाश्ता भी हो रहा है, चाय भी हो रही है, ये सब नियम नहीं है, क्योंकि ये सब सुविधा घर में होती है जी जी, यहाँ नहीं हो पाती। ये घर होता है, आपका घर है तो आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी और व्यवस्था मिलेगी, जब घर नहीं है तो आपको व्यवस्था की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जब तक आपको अनुभव नहीं होगा जी तो एहसास कैसे होगा, और जब आप उसकी शरण में आप गए हैं, उसने संकल्प लिया है जी मैं तेरी रक्षा करूँगी जब तक तू मेरी शरण में रहेगा जी जी जी, तो एहसास कैसे होगा फिर वो बिल्कुल चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल क्या है, प्रकट में लोग करते हैं, अनुभव होता नहीं जी, या एहसास नहीं करना चाहते, जैसा भी है सुविधाजनक है। हाँ सही बात है, व्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं तो फिर माँ दूर होती जा रही है जी जी, बिल्कुल सही बात है। पहले गाँव वगैरह भी नहीं थे तो तट पर ही निकलना होता था। चलिए प्रभु, बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिला आपसे।